हेलो दोस्तों, राधे राधे। बड़ू को प्यार मेरा, पहला छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका आज के ब्लॉग पे मेरे। और आज मैंने बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आज है सैटरडे। सैटरडे और संडे को ना बच्चों को छुट्टी रहती है, ये लोग रोज़ घूमने काम जाते रहते हैं। और मैं सोचा आप मम्मी चलो करके, मैं भी सोच रही जाऊँ उनके साथ घूमने। और कहाँ जाती हूँ मेरे को कुछ पता नहीं है, और आपको बताते रहूँगी कहाँ जा रही हूँ क्या कर रही हूँ। और ये गाना मेरे को सुन रहा है यहाँ से, पता नहीं क्या कह रहा है। एक गाना ये है, एक गाना इनके साथ अभी, ये भी हमारे कान्हा जी, ये है मेरा कान्हा। आज मैं कान्हा के साथ घूमने जा रही हूँ। यहाँ गाना ठीक है, देखिए ना मैं अभी खड़ी हूँ पार्क के पुल के वहाँ पर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी जो रोड जाती है, ये आई अल्मोड़ा से रोड, ये गई हल्द्वानी को। अब हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर को, मुक्तेश्वर को जा रही है, ये गई मुक्तेश्वर वाली रोड। बस ये ना वहाँ पर वहाँ पर गाड़ी रोकी है थोड़ी देर, मैंने कहा एक ब्लॉग बना लेती हूँ। जाते रह रहे हैं, जाते रह रहे हैं। हम मुक्तेश्वर से जा रहे हैं मैंने। ये है रोहित, नीरज गाड़ी में बैठे हुए हैं, मेरा इंतजार करते, मैं रुक गई थी वहाँ। हाँ बैठे, देखिए ना रास्ते में जंगल में, तो मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। मैं पहुँच गई अभी मुक्तेश्वर। बच्चे गए हैं अपनी गाड़ी लगाने के लिए। यहाँ भी ना गाड़ी लगाने की बिल्कुल जगह नहीं, देखिए कहीं जहाँ जाओ भीड़ भीड़। यहाँ पार्किंग की बिल्कुल लग रहा है कोई सुविधा नहीं है, तो किनारे किनारे सब गाड़ियाँ गश करके बहुत लंबी कतार में। हाँ देखो वहाँ भीड़ है, क्योंकि आज भी एक तो आज सैटरडे है, आज तो बच्चों की छुट्टी छट्टी होती है ना यहाँ ना। यहाँ महादेव मंदिर है यहाँ शिवजी का ऊपर से, लेकिन अभी आज को सराह लग रहा है, मेरे को लग रहा है दर्शन क्या करें, देखते हैं। फिर मेरे को लग रहा है मंदिर में जाने वाले नहीं है बच्चे। यहाँ खाने पीने का रेस्टोरेंट राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, भट्टी चावल है, गर्म है। हम खा लेते हैं ना यहाँ पर पकौड़े और क्या है, इमली के। फिर रोहित और नीरज भी खा रहे हैं अभी, हाफ चाहिए भैया। मोमो खाने जरूरी है यार, कहीं भी जाओ मोमो के बिना नहीं चल पाता अपना काम। ये माल्टे का फ्रेश जूस भी रखते हैं, माल्टे का फ्रेश जूस। मैं दिखाती हूँ आपको पहाड़ी कपड़े, क्योंकि प्यारे लग रहे हैं ना, क्योंकि कपड़े आजकल बड़ी डालते हैं इसकी। मैं भी ले जाऊँगी इसको 3-4 किलो यहाँ से। काकू बच्ची है, ये क्या है? ये काकू बोलते हैं, पश्चिम वाली बोलते हैं लोकल में काकू। काकू ये काकू फल है यार, कोई क्या बोलते थे इसको हम लोग यार, इसको काकू बोलते हैं, पश्चिम भी बोलते हैं काकू फल बोलते हैं। ऐसे खाते हैं भैया काकू? खाओ मेरे मुंह में चाय लग रखी है। ये मीठा वाला है, खाने के लिए घर के लिए भी जाते। नाशपाती बड़ा है ना, वो काकू कटला रहता है, ये काकू हरा भी मीठा रहेगा। अच्छा ये ककड़ी क्या भाव है? क्या भाव है फिर भी ले जाओ ना, पीस के हिसाब से दे देंगे आपको। किलो का नहीं, किलो का चाहिए मेरे को। अरे 50 का भी है, 100 का भी है, 80 का भी है, जो चाहिए बोले। ये काकू फल है ना, मैंने ऐसे बताया बहुत मीठा रहा यार, मैं पहली बार खा रही हूँ इसको। चाय पानी की होटल पकौड़े खा लिए, लच्चा ने मोमो खा लिए, रोहित ना हबी था, रोहित चाय ने कुछ नहीं खाया, खाली चाय चाय पी रखी है। और थोड़ा सा घूमते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। हाँ पता नहीं यार हम कहाँ जा रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ। और देखिए ना यहाँ बहुत ठंडी जगह है यार, इस बाज के पेड़ है और देवदार के पेड़, काफल के पेड़, जैसे जहाँ ये वाले पेड़ होते हैं ना, यहाँ बहुत ठंडा होता है। ये हमारे अल्मोड़ा से ऊँचाई ज़्यादा ऊँचाई में है, बहुत ठंडा हो रहा है। अभी भी स्वेटर पहनने को मन कर रहा है। आपको ना ये देवदार का पेड़ दिखाती हूँ, बहुत बड़ा देवदार है, नहीं देवदार नहीं है,
ये मोर पंखी जैसे क्या है, ये मोर पंखी का पेड़ है ना, देखिए मोर पंखी का पेड़ है हमारे यहाँ तो 100 पीस से छोटे छोटे होते हैं। ये जो मोटा पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये बहुत ही मोर पंखी का पेड़ है भाई, इतना बड़ा भी होता है क्या, मैंने पहले बार दिखाया ये। ऊपर भी है वही, ऊपर कैसे और हो सकता है, ऐसे मेरे को बुला रहे हैं बच्चे। खाना दो, कहाँ जा रहा है तू, इतने ठंडे ठंडे में घूमता है हमारा कहीं का, इतने ठंडे में घूमने गया है, ऐसे करके गर्मी गर्मी जाएंगे। हाँ ना, इसकी मम्मी भी थकी, इसके पापा भी थक गए और इसके चाचा भी थक गए, इसको ले लेके थोड़ा देर मैं ले लेती हूँ इसके गोदी में। ये लोग कह रहे हैं हमको थकाई लग गई, कह रहे हैं मेरे को तो नहीं लगती, हमने नत्थू को देख के थकाई ना बाबू। क्यों है टॉप के आदमी से बात करा, क्या ठंडा लगने लग गया है, पता नहीं आ रहा है नाम कह रहा है, बोल भी लगा, बता दूंगी आपको। जंप कर लूंगी, एक जंप करती हूँ रोहित में, अरे वहाँ से है नीचे को जाने का, ये टॉप में इतना ज्यादा ऊपर में जाना है, बहुत ही ऊंचाई पे यार, पॉइंट पॉइंट है नीचे, देखो देखो डर लगती है नीचे को जाते, देखते हो इसका नाम ऐसे, एक राइट पॉइंट में रहना है देखा जाए तो, सही टाइम में तो लग गया पोहरा भाई, खड़ा रह गए ठंडा, इसकी मम्मी ने इसका स्वेटर पहना रही, लग गया बाबू को ठंडा, और मन गया हीरो और आ घूमने, हीरो का अभी भी लग रहा है, घूमने आ, अब तो और ज्यादा हीरो लग रहा है, और ज्यादा हीरो लग रहा है, ठंडा लग गया, जो नाक आज पहले बाल लाल हो रखी इसकी जरा, यहाँ पर हमारे बच्चे का खाने पीने का इंतजाम है उसके पापा से, और है नीचे को, नीचे को है, हाय बच्चे प्यारे वाले बच्चे भी घूमना है, कहाँ से आए हो बेटा, लखनऊ से आए हो, थैंक यू, मेरे प्यारे बच्चे हम और देखने की चीज़ अच्छी अच्छी है यार, दूर दूर से आते हैं लोग, ठंडी जगह है, यहाँ बाज के पत्ते होते हैं, जोग भी लगते हैं यार, जोग कहते हैं हमारे यहाँ, ऐसे जो कहते होंगे दीदी, क्या कहते हैं उसको, ऐसे जोग कहते हैं ना, जोग भी लगते हैं, फट जाते हैं उनके ऊपर, नमक डाल दो ना, हाँ फट जाते हैं, मेरे बेबी शो भी गया, जो हमें बेबी पहले बार आ लाख लाल रो यार, एक ठंडा लग सो रे, पहाड़ों को रे बसी तू दिल रोने वाली, मे दर को पानी वालो तू दिसनेरी वाली, मैं कुछ भी खाऊंगी मोमो, मैं मना नहीं करती हूं, सबसे अच्छा फूड होता है स्टीम फूड होता है, उससे अच्छा क्या है बताओ दुनिया में, मैं अभी भी लाने लगूंगी, यार अलग होता है ना वो, मैदा होता है, कुछ नहीं होता है मैदा, आटा जैसा लगता है, मेरे को तो आटा ही जैसा लगता है, मम्मी आटा भी अच्छा है, हाँ मैं भी खाती हूँ उसको, मेरे को तो खाने में ऐसा लगता है आटा भी बेकार है, आटा भी बेकार चीज है, चावल खाना चाहिए, मैं तो बोल रहा अगर तुम्हें अच्छा रहना है तो सबसे अच्छी चीज होगी चावल, आटा ही आगे चल के मैदा बनता है, जैसे की पेट्रोल और केरोसिन वो होता है ना, मट्टी तेल, मट्टी तेल खा रहे मैदे की जगह पर आप पेट्रोल का आटा, आप बताना मैदा कैसे बनता है, हाँ ये बता रहे हैं मैदा कैसे बनता है, अच्छी चीज है मैदा, इससे भी अच्छा आपको ज्ञान है तो मैदे के बारे में, डॉक्टर क्या बोलता है स्टीम फूड खाना चाहिए, स्टीम फूड अच्छा अच्छा कहाँ मिलेगा, रॉ है स्टीम है, और क्या चाहिए तुम्हें, देखिए ना ये है हमारा उत्तराखंड का लव जून, सर कोई लोग भी आते हो ना, बहुत मस्त जगह है, बढ़िया जरूर आइए, ये भैया कह रहे हैं ना यहाँ, ये इसमें फोटो खिंचाने के 20 रुपए लेते हैं, भैया ऐसे भी लोगे क्या, मेरे को रील भी बनानी है फिर, किलर लोग रील बना लो ऐसे, रील कलर नहीं लोग अच्छा कर, ये इनकी फोटोग्राफी हो रही है, फोटो सेशन लेट लेट के, मम्मी को देखो।
लव यू मुकेश सर। बताओ आप क्या बोलना चाहते हो उनके बारे में? कुछ बोलो, मेरा ब्लॉग देखना। मेरा ब्लॉग का नाम है लीला पिरोड़िया। पता नहीं है कौन सा है। आपने बहुत अच्छा कर रखा है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और बढ़िया बना रखा है अपने हाथों से इन्होंने। देखिए पैसे कमाने वाले कोई कैसे ही कमा लेते हैं, मेहनत चाहिए, हुनर चाहिए इंसान को। छोड़ा भी हो यहाँ है भाई, छोड़ा इतने अच्छे अच्छे लोग होते भाई। लेकिन ना यहाँ देखने की जगह बहुत है, बहुत से जा रहे ना रस्सी में बैठ के। देखिए ना सुबह से घूमते घूमते नाश्ता पानी तो हमने कर लिया, लेकिन अभी शाम के 3:30 बज गए हैं, खाना नहीं खा रहा है दिन का। उसके बाद हम सीधा खाना खाने जाएंगे। और मेरे बच्चों ने तो खाना खा लिया है। जा बोलो खाना, वाई पाई बोल दो, जय बोल दो, जय बोल दो, जय बोल, जय, अरे जय बोलो। अरे आप क्या कर रहे हैं? गुड या लेकिन मुक्तेश्वर के होते हुए तो आ गए हम लोग घूम घाम के, लेकिन हमने अभी खाना नहीं खाया यार, भूख लगी है, खाना भी खाते हैं। और ये पता नहीं कौन से गांव है, मेरे को इसका कोई पता नहीं है। और यहाँ से मैं कितना अच्छा लग रहा है, सारी जगह और एक गौशाला, ये सारा गौशाला है इधर को। ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पर गाय का गोबर हो रहा है, बदबू जी आ रही है, लेकिन सीन बहुत अच्छी आ रही है यहाँ की। बता क्या कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? बता मेरे बारे में कुछ कहना, जो आज कहना चाहते हैं तो कह दे यार गाय। अरे यार खाली दुनिया वालों के सामने अच्छा नहीं लगेगा आज, ऐसी नहीं करने वाली बात बहुत बहुत प्यार है यहाँ पर। अभी जो सही बोल दिया यार, जी बोलते है एक बात तो बताओ, गाय गाय पालते हैं यहाँ, दूध मिलता है यहाँ और कितने रुपए किलो मिलता है? वैसे सही सही बताना, जो होता है वही बता दो। 40-44 और अच्छा मिलता है। और दूध कैसे मिलता है? गाय का, गाय का अच्छा दूध मिलता है। कितने गाय है वैसे, कितने गाय है वैसे पता नहीं। अच्छा खाली दूध लेकिन आप कौन से गांव पड़ता है, गांव कौन सा हुआ? एक गांव ये मुक्तेश्वर है। मुक्तेश्वर अच्छा, मुक्तेश्वर गाँव है कह रहे हैं बच्चे ना, यहाँ गाय का दूध लेने जा रहे हैं। अभी शाम के समय से सर दूध लेने जा रहे हैं। मैं खाऊंगी एक पिज्जा और एक कॉफी भी होंगी, लेकिन है नहीं है। ये तुम ये लाते पी लो ना, नहीं लाते खा रही नहीं अरे वो कॉफी है लिखा है इसमें, 220 रुपए की लाते पड़ी। लेकिन शाम के 6 बजे ना हम नाश्ता पानी के लिए बैठे हैं यहाँ पर, चाय पानी के लिए। पुष्पा को आजा भी, राजा सब चल आजा, आजा मैं भी माँ को देख रहा है, पता नहीं उसके हाथ बाबा हाथ ना, उसको ठंडा लग रहा है, हमने अच्छा कर दिया उसका हाथ, देखिए ये इसके अंदर हाथ है, इसका इसके अंदर हाथ है, इसके अंदर इसका हाथ है, पकड़ दे से पकड़ दे। गोदी पकड़ो, गोदी पकड़ो, तुम मेरे तो हो गए, तुम थोड़े देर में तुम्हें चाय पानी नाश्ता पानी सब जमा रहा हो गया। लेकिन अब शाम के कुछ है, हम चले हैं घर। आज की वीडियो इतना समाप्त करते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर देना, ओके देखते रहना मेरा चैनल छोड़िया, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।